सरकार ने एमवे टपवेयर और ओरिफ्लेम जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर लगाम कसने की अब तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एजेंटों से कोई भी एंट्री फीस चार्ज नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा एजेंटों को बिना बिका स्टॉक बायबैक करने के लिए भी बाध्य नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इन कंपनियों को एजेंटों के साथ एग्रीमेंट भी साइन करना होगा, जिसके तहत एजेंटों को बिना बिके आइटम्स का रिफंड भी देना जरूरी होगा। सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग और पोंजी स्कीम के बीच के फर्क को भी साफ कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने देश में डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने के लिए कई शर्तें भी रखी हैं। केंद्रीय स्तर पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मॉनिटर करेगा, जबकि राज्यों को इसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार करना होगा। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, इन गाइडलाइंस से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर आखिरकार लगाम कैसे कसी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि डिफरेंशिएट करना आसान होगा कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और कौन सी पोंजी स्कीम की जो है वो कंपनी है, क्योंकि अक्सर देखा गया कि कई कंपनी आती हैं बिना कोई माल बेचे या इस पोंजी स्कीम पिरामिड स्कीम जो है वो तैयार करती है और बेच करके और अपना आगे जो है अपने कस्टमर बना करके एक पिरामिड स्ट्रक्चर तैयार करके पैसा लेकर के रफू चक्कर जो है वो जाती है। लेकिन अब ये एक नया उन्होंने गाइडलाइन जो है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने जो है जारी कर दी है, जिससे कि डिफरेंशिएट करना आसान होगा। जो कंपनी है वो अपने जो एजेंट बनाएगी उसे कोई भी मोटी रकम जो है वो वसूल नहीं पाएगी और उसके साथ साथ जो माल जो उसको देगी उसको बायबैक करना जरूरी होगा। एक दोनों बायर और सेलर के बीच में जो है एक एग्रीमेंट करना जो है जरूरी होगा। जी मीडिया ने अपने दर्शकों को पहले ही बता दिया था कि ये गाइडलाइन जो है वो जल्दी जारी होने वाली है। अब गाइडलाइन सब जारी हो गई है अभी इसे लेकिन इसको एडवाइजरी के तौर पर जो है वो जारी किया गया। अब ये एडवाइजरी जो है स्टेट्स के ऊपर होगा कि वो स्टेट्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। एक मॉडल ला है जिसको कि प्रेजेंट किया गया स्टेट्स को, इसको अगर इसको ढंग से इम्प्लीमेंट करना है तो स्टेट्स को उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। असीम, जैसा कि आपने कहा कि पोंजी स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग स्कीम कंपनियों के बीच जो फर्क है वो साफ हो जाएगा, तो इससे पोंजी स्कीम के खिलाफ जो भी जांच होती है उन एजेंसियों को भी मदद मिल पाएगी क्या? जिस देखिए, सबसे बड़ा तो इसमें यही है कि आप उसको अलग कैसे करते हैं पोंजी स्कीम जो कंपनी है या फिर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, कि कई कंपनियां जो है जेन्युइन बिजनेस जो है वो करी, जैसे टपरवेयर हो गया, एमवे हो गया, ये अपना बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग के जरिए जो है वो करती है। लेकिन कई कंपनियां ऐसी आती है जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ पिरामिड स्कीम बनाते हैं। जैसे कि स्पीक एशिया का एक एग्जाम्पल जो है हमने देखा कि जिस तरह की स्पीक एशिया लोगों के पैसे लेकर के रफू चक्कर हो गई, तो उस तरह की कंपनियों को अलग कर पाना इस नई गाइडलाइंस से जरूर होगा। कंपनी को रजिस्ट्रेशन जो है वो भी करवाना होगा स्टेट के अंदर, तो ये गाइडलाइंस से ये आसानी हो जाएगी जो कंपनियां इस फील्ड में जो कारोबार करना चाहती हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहती हैं, वो आसानी से अपना काम कारोबार जो है जारी रख पाएंगे। जी बिल्कुल, तो अब पोंजी स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बीच जो फर्क है वो करना आसान हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं,